नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से कहीं ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। केवल 10 से 20 मुसलमान मुगल सेना का हिस्सा बनकर भारत आए थे, बाकी का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। गुलाम नबी आजाद पिछले दिनों डोडा जिले के 10 दिन के दौरे पर थे। उन्होंने ये बयान 9 अगस्त को डोडा में थाथरी इलाके में एक सभा में दिया था। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया। 3 दिन बाद गुरुवार को इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनके नाम नहीं। बता दें, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया था। इसरो ने आज 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहां वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची। उन्होंने कोलकाता में जंगी जहाज INS विंध्यगिरी लॉन्च किया। नीलगिरी क्लास का ये फ्रिगेट एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्ध पोत है। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देव रॉय के संविधान को लेकर लिखे एक आर्टिकल पर राजनीति शुरू हो गई है। JDU और RJD ने विवेक देव रॉय के आर्टिकल पर आपत्ति जताई। JDU के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि विवेक ने जो कहा है उसने BJP और RSS की नफरत से भरी सोच को फिर सामने ला दिया है। भारत इस तरह की कोशिशें कभी स्वीकार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में गुरुवार 17 अगस्त को सुनवाई हुई। गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ASJ राजू ने कोर्ट में कहा कि कानून यह नहीं है कि हर किसी को हमेशा के लिए सजा दी जाए, कैदियों को सुधार का मौका मिलना चाहिए। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं मिली। भाजपा ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में एक दिन पहले यानी 16 अगस्त को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत CEC के मेंबर्स शामिल हुए थे। इसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि कुछ कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। भारत और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले और दूसरे मैच के पूरे टिकट बिक चुके हैं, जबकि तीसरे मैच के टिकटों की खरीदारी भी तेजी से जारी है। आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया की कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करेंगे। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे IPL स्टार्स को टीम में मौका दिया गया है। भारत के दिग्गज शू मेकर कंपनी बाटा जल्द ही स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर एडिडास के साथ इंडियन मार्केट के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का प्लान कर रही है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयर में आज 5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। बाटा का शेयर 5.58% बढ़कर ₹1,739 पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर में बीते 6 महीने से 20% से ज्यादा की तेजी आई है। गदर 2 वीकडेज में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने बुधवार को 32.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। सिर्फ 6 दिनों में फिल्म की टोटल कमाई 261.35 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ गदर 2 पठान के बाद 2023 की दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।